गाइस, हमने बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं माना गांव, जो कि यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से माना गांव शुरू होता है। गाइस, हम लोग माना गांव में आ गए हैं और गाड़ियां अंदर जाने नहीं देते, पार्किंग एकदम बाहर ही होती है, जहां से एंट्री होती है उसके थोड़ी दूर बाद ही। तो अभी हम लोग वॉक करते हुए अंदर माना गांव घूमने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत विलेज है और ये मतलब लास्ट इंडियन विलेज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग जाते समय पांडव यहाँ से गुजरे थे। और माना विलेज जो है ये चाइना बॉर्डर से एकदम लगा हुआ है। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हम सभी ने जैकेट पहना हुआ था, पर अभी अच्छे से धूप निकल आई है तो ठंड एकदम नहीं है। यहाँ पर लेडीज़ सब अपने हाथ से खुद सिलाई मतलब बुनाई करती हैं। ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत वुलन वेयर इन लोगों ने बुनाई किया हुआ है। माना गांव में घूमने के लिए पहले व्यास गुफा और गणेश गुफा में दर्शन करने के लिए हमें पहले चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और फिर भीम पुल और सरस्वती नदी देखने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। गाइस, हम लोग जा रहे हैं श्री गणेश गुफा। ये है गणेश जी की गुफा और बीच में यहाँ एक हवन कुंड बना हुआ है। गणेश गुफा में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा। और व्यास गुफा ये थोड़ा और ऊंचाई पर है। इतना चढ़ के ऊपर आ चुके हैं और अभी बहुत ऊपर चढ़ना बाकी है। अब ये हम पहुंच गए भारत की आखिरी चाय की दुकान पर। गाइस, ये चाय है भारत की आखिरी चाय की दुकान की, तो ये बहुत स्पेशल है। गाइस, ये है व्यास गुफा और यहाँ अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ।
अब हम जा रहे हैं भीम पुल, और अब हमें बहुत ज़्यादा नीचे उतरना है भीम पुल तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से नीचे देखिए सरस्वती नदी बह रही है। गाइस देखिए देखिए सरस्वती नदी यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड है पानी की, ऊपर से कार से आ रही है इतना पानी। ये वो नदी है जो आगे चल के एकदम सूख जाती है। बाकी जगहों पे हम सिर्फ सरस्वती नदी का नाम सुनते हैं, पर यही नदी यहाँ पर देखिए इसमें कितना ज़्यादा पानी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत है। ये मंदिर सरस्वती माता का मंदिर है और ये सरस्वती नदी के एकदम बगल में बना हुआ है। इसी ब्रिज से होते हुए अभी हम नीचे सरस्वती नदी के पास तक आए थे और ये रही सरस्वती नदी। हम लोग वसुधारा फॉल्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा बेटा वो दोनों ही 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। चारों धाम में से आप कहीं पर भी आते हैं, लाइक उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, तो यहाँ आने से पहले ही आप जिस दिन दर्शन करना चाहते हैं उस दिन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही ज़रूर करा लें, वरना आपको यहाँ पर आने के बाद भी बिना दर्शन के लौटना पड़ सकता है। गाइज हमने माना घूम लिया, पूरा दर्शन कर लिया अच्छे से, पूरा यहाँ का पूरा जितना भी था सारी चीज़ें देख ली। अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। टिल देन टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।